जी का हमारे बीच में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं। भगत सिंह ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सुलभ कुलकर्णी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सुलभ जी का मैं यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। मूर्ति पर मालार्पण करेंगे अपने बीएसपी प्रदीप खत्री जी हमारे बीच में है, योगी निशान लाल जी हमारे बीच में है और सुरभ गुरानी जी हमारे बीच में है। सबसे पहले व्यक्ति को भगत सिंह की मूर्ति पर मालार्पण करेंगे, उसके Come on!
आपने देखा जो कार्यक्रम था, कल का था वो कार्यक्रम, ये जो वीडियो है ये आप आज देख रहे हो, ये जो ब्लॉग है ये आप आज देख रहे हो, ये कार्यक्रम कल था 23 मार्च को जो हमारा शहीदी दिवस होता है, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु जी को इसी दिन फांसी दी गई थी, तो हम इसको एक बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने शहादत दी उसके लिए जो हम आज खुली सांसें ले रहे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत है। तो दोस्तों आपने इससे पहले देखा जो हमने ये यात्रा निकाली थी, ये सुखपुरा चौक से निकाल के भिवानी स्टैंड तक निकाली थी, और जितने भी कार्यकर्ताओं ने इसके अंदर भाग लिया, जो भी हमारे वॉलंटियर्स थे, जिन लोगों ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इसमें जो कार्य करा वो बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य करा उन्होंने, और बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को ख़त्म किया। और इस कार्यक्रम में सबसे अहम जो भूमिका रही वो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की टीम की रही, जिन्होंने हर व्यवस्था को कंट्रोल किया, हर चीज़ को कंट्रोल किया, और एक बहुत अच्छे से एक वेल प्लान तरीके से इस यात्रा को निकाला गया। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की पूरी टीम ने इस यात्रा को एक तरीके से एक कहते हैं ना नियमित तौर से और एक व्यवस्था को देखते हुए, कोई भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाने के लिए इस यात्रा को जिस तरीके से किया उसके लिए वो एक बधाई के पात्र हैं। और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की पूरी टीम को और जितने भी आयोजककर्ता थे या जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। जो भाई चाहे भाई 10 लेके आए, कोई भाई 20 आदमियों को लेके आए, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस यात्रा को सफल बनाने में सबका योगदान है। किसी मेरे अकेले का या किसी आपके या किसी जो आप देख रहे हो, किसी जो आप देख रहे हो कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित थे, उनका किसी का मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी का योगदान नहीं है, सबका इक्वल योगदान है, सबका पूरे तरीके से योगदान है। तो मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और सारी टीम का, जो टीम हमारी आपको ये वीडियो दिखाने में भी सफल हुई है, उनका भी धन्यवाद करूँगा, और सब लोगों का धन्यवाद करूँगा इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और मैं खास तौर पे हमारे मीडिया साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, जिन्होंने इस जो कवरेज है इसको अच्छे से मीडिया में लाके लोगों तक पहुँचाया, लोगों तक ये जागरूकता पहुँचाई, उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया।